ये उदयपुर के मौसम के बारे में बताता था। अभी इतनी धूप हो रही थी कि हमने सन ग्लासेस निकालते हैं, मगर अब बारिश हो चुकी है। और ये देख लो तो शॉप में और पसंद किया था आधे के लिए कुर्ता। और अब आ चुके हैं देखो आप गणेश चतुर्थी ने और मंदिर, जय हो बापा की, जय हो गणपति बापा। अभी यहाँ आपको जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी यहाँ मंदिर ही मंदिर है, गली मंदिर वाली बनी है। कौन सी जगह ये है? घंटाघर। अच्छा, हम जैसे और जो मैं अब आपको मंदिर दिखाने जा रहा हूँ, अब आप देखिए जगदीश, जय हो भगवान जी। हाँ देखो, जो एक बात कही है, कह रहे हम पूरा आपको एक्सप्लोर कराते हैं, क्योंकि इसमें मैं पूरी वर्मा फैमिली आपको एक्सप्लोर कराएंगी मार्केट और जो गणपति बाबा के जो मंदिर में पूजा पाठ हो रही होगी, ये देख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 और जितने मर्जी गिन लो आप। उदयपुर में तो उदयपुर अपना अपना फेमस है, उसमें आ चुका हूँ। और हमें जाते ही और देखो हमारे को स्वागत के लिखने। हाँ भाई साहब, आपकी शॉप में क्या क्या सामान मिलेगा? सब मिलेगा। अच्छा, अब आए हैं हम जयपुर कलेक्शन में। हाँ भाई, आप सेल्समैन? सेल्स बॉय? सेल्स बॉय ओनर? अच्छा, इसको देखना है। और ये हो रही है, और हम उदयपुर के सबसे फेमस शॉप, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कलेक्शन कितना। हाँ भाई, हाँ नहीं है होता तो ये मांग रहे हो, नहीं मिलता इसमें पीस ही नहीं है, आइटम देख लिया, पूरा देख लिया। अभी क्या ये माल बन नहीं रहा, अभी क्या बारिश में कम आता है बंदे, बहुत कम बंदे। सारे हैंडीक्राफ्ट चीजें देखो, होम डेकोरेशन का आइटम सारे सारे हैं देखो, छोटे छोटे हाथी ये देखो, ये जो हमारे टाइम में कठपुतली बोलते थे, आजकल पपेट सपेट करके देखो, ये कठपुतली आए हैं पूरे मार्केट है। ये उदयपुर के मौसम के बारे में बताता था। अभी इतनी धूप हो रही थी कि हमने सन ग्लासेस निकालते हैं, मगर अब बारिश हो चुकी है। और ये देख लो बारिश में कैसा लग रहा था, और बारिश से डर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि उदयपुर की बारिश में भीगना चाहिए, लगर नहीं है, रुक जाओ तो सारी। ये देखो, अब मैंने नाम ही लिया था, मैं यही बता रहा था, मैंने मौसम चेंज, उदयपुर की बारिश और भीग गए एक मिनट में बारिश। अब आपको मैं दिखाऊं कहीं से भी देखे सारा। और अभी हम अच्छा ऐसे होता है बेटा, ये जब निकले ना घर से जा रहे हैं तो बोलेंगे भीगेंगे, देखो कुछ भी हो जाए ब्लॉग तो बनाना है। उदयपुर की बारिश में नहीं भीगे तो क्या भीगे, जैसे हर बार बोलते हैं देखिए बारिश, अब बारिश में जल्दी बारिश की बूंदे पड़ते ही फोन वाइट हो जाता है। तो शॉप में और पसंद किया था आधे के लिए कुर्ता, मेरी कलर थी चॉइस, अभी पसंद नहीं आ रही है, तो मल्टी कलर शॉर्ट में मगर पसंद नहीं आए। सेल्समैन ने भी दिखा चुका है, मैं बता चुका है कस्टमाइज, मगर अभी इसमें देखेंगे हम फाइनल क्या है, देखते हैं अभी इनसे निकलवाते हैं भाई साहब से। भाई साहब और अब आ चुके हैं देखो आप गणेश चतुर्थी ने और मंदिर, जय हो बापा की, जय हो गणपति बापा। अभी यहाँ आपको देखेंगे खूब सजेगा मंदिर है, गणपति बापा आ जा, जय हो गणपति। आप जहाँ मैं आपको ले जा रहे हैं वहाँ देखना, आपको हर गली में मंदिर मिलेंगे। कौन सी जगह है भाई ये? बापू बाजार, अब मालदा स्ट्रीट बापू बाजार। यहाँ पर आपको हर दूसरे जो कॉर्नर पर मंदिर मिलेंगे भगवान के, एक खुशबू एक फ्लेवर जो है भगवान की पूजा का दिखाई देगा। आज मंदिर उदयपुर में बाबू जी कुछ बताएंगे, बताइए बोली। हमारा ये मंदिर 100 वर्ष लगभग पुराना है और इसका नाम है श्री मावा गणेश जी, मावा गणेश मावा गणेश जी, और
बहुत प्यारी मूर्ति है, काफी लोग दर्शन करने आते हैं और अभी इसका नया काम भी चल रहा है। अच्छा, इसीलिए हम भी दिल्ली से आए थे, हमने कहा दर्शन कर लेते हैं। जय हो, हमारे लिए प्रसाद रख लीजिए आप। जय हो, जय हो भगवान। जय हो गणेश। क्या ले रहे हो? ये नहीं था, वो आगे था। वो अभी हुई कौन थी? आगे है वो। आओ फिर दीदी। और यहाँ पे आ गए हम मंदिर में। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ मंदिर काफ़ी दिखेंगे आपको, आप देख रहोगे बीच में मिलाया था। और हम चलते जा रहे हैं, आगे आपको दिखाएंगे। तो ये वाइब से हम चलते चलते पहुँचे, अभी लाइटिंग जलेगी तो बता रहे हैं। अब चलते चलते पहुँचे हैं हम यहाँ के घंटाघर। अभी दिखाते हैं आपको जहाँ मैं कल आया था। ये देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ गणेश चतुर्थी का दरबार लग रहा है, भगवान का दिख रहा है। ये देखो दरबार सज रहा है यहाँ पे गणेश जी का। और इससे आगे आपको और दिखाएंगे जल्दी फटाफट। अभी दिखाते हैं कैप्चर घंटाघर। अब हम आए, देखिए ये फेमस स्वीट शॉप है। जैसे आप दिल्ली चांदनी चौक में जाते हैं वैसे यहाँ पे भी हमें। अब एक्सप्लोर करने का टाइम है तो सारा कुछ एक्सप्लोर करना। और टीम हमारी देखिए, टीम 2 4 5 8 10। बाय गाइस और हाय गाइस। ये जैसे मैं आपको बता रहा था अभी, यहाँ मंदिर है, गली मंदिर। और मनी कौन सी जगह ये है? घंटाघर। अच्छा, हम जैसे और ये है यहाँ की मेन फेमस पालीवाल कचौड़ी। इनका टर्न ओवर इतना कि जो सुबह दिखाया था ये बनाते हैं। और उसके बाद 12 बजे तक सारा ताम जाम लपेट के चल देते हैं। और उसके बाद जो अब आपको ये देख रहे होगा ना, ये लग रहा होगा ना दिल्ली चांदनी चौक की सड़कों पर चल रहे हैं, क्योंकि आपको देखो गलियाँ से पता लग जा रहा होगा। हाँ, चुपचाप चल रहे हैं। अभी बरसात खाने जा रहे हैं, इसकी रबड़ी और इसको रबड़ी। अभी मंदिर से होकर आगे ये खाएंगे राजू रबड़ी वाले। अभी आते हैं यहाँ पे और साथ होगा। देखिए मैंने आपको जैसे मंदिर और ये बजरंग बली के भक्त बाबा, ये देखिए। जय हो भगवान जी। आपको मैं बता रहा हूँ ना, जो वाइब आएगी सारी यहाँ भगवानों के। देखो ऊपर आ गए महादेव एक किलो। और जो मैं आपको मंदिर दिखाने जा रहा हूँ अब आप देखिए जगदीश। जय हो भगवान जी। अच्छा, ये आ गए हम ऊपर। और इससे आगे भी है मगर अभी आपको मैं दिखा दूं। ले गए हम तो आ रहे हैं। चलिए जी, वहां जा रहे हैं। जय हो, रुक जाने, आने देना पहले। चलिए जल्दी सब खड़े हो जाओ वहां पे। पूरी टीम इकट्ठी करनी पड़ती है, एक ब्लॉग बनाने के लिए, एक फोटो खिंचाने के लिए, थंबनेल के लिए। चलते हैं मंदिर के लिए ऊपर। अब आपको दिखाता हूँ मंदिर के लिए ऊपर चल रहे हैं। जय हो, और इसके बाद दूसरे मंदिर। जय हो भगवान जी महाराज की। जय हो। हनी हो लिया, खुशी कर लिया तूने? चुप जा।
ये जो आपको मैं फोटो दिखाने चाह रहा हूँ, ये जब यहाँ पे युद्ध हुआ था उस टाइप के, जैसे बताते हैं युद्ध के टाइम की फोटो है। और ये मंदिर था, और अब हम सामने मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं। जय हो भगवान जगदीश जी महाराज की। और जगदीश टेंपल में ये आस्था मानी जाती है कि भगवानों को डायरेक्ट नहीं देखा जाता है, जैसे कि अब आप देख रहे हैं, जब उनके पास जाते हैं तो इस पंडाल में शीशा लगा हुआ मिरर, उस पर देख के भगवान जी के दर्शन करे जाते हैं। जैसे कि अभी आप आगे वीडियो में देखें, हमें पता लगा तो फिर हमने ऐसे दर्शन करा। आज मैं आया हूँ अपने छोटे क्रिएटर के साथ, और मैं आपको दिखाता हूँ जो जगदीश टेंपल में आया वहाँ से कुछ व्यू। अब हम आए हैं टॉप पे, ये देखिए, ये देखिए, और चलें आगे को चलें। मंदिर है। हाँ पूरा मंदिर। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। ये पूरा मंदिर है, यहाँ पे ये पूरा जगदीश टेंपल का सबसे फेमस है। अच्छा जगदीश टेंपल, अच्छा आराम आराम से। हाँ बहुत बड़ा है, अब हम घूमेंगे। अब अच्छा जी, अब आप ऊपर चढ़ेंगे, चार स्टेप ऊपर चढ़ो यहाँ से। हाँ हाँ बस अच्छा, हाँ देखो जो एक बात कही है, कह रहे हम पूरा आपको एक्सप्लोर कराते हैं क्योंकि इसमें व्यूज आने चाहिए। भाई आप तो, आप कितना कह दिया। तो देखो जगदीश टेंपल, ये आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे युद्ध भी हुआ था, युद्ध पे इस भगवान को क्षति पहुँचाने के लिए करा गया था, तब भी नहीं हो पा। माय गॉड, ये देख तो आप इसकी ऊँचाई देख सकते हो, इतना ऊँचा बना हुआ है। अभी मैं आपको पहले फर्स्ट फटाफट परिक्रमा दिखाता हूँ, फिर इसका एक सिनेमेटिक शॉट बनाएंगे, उसमें बनाएगा हमारे साथ भगवान जी, माँ दुर्गा मंदिर। आपको मैं पूरी परिक्रमा करके दिखा रहा हूँ। अयोध्या से भी ज़्यादा बड़ा मंदिर है। हाँ देखो अभी इस, अभी इसको इतना पता करा, अयोध्या से भी ज़्यादा बड़ा मंदिर है बेटा। अभी तुम गए नहीं वहाँ। ये है कि ये पुरातत्व विभाग से देखा जाए तो कितना बड़ा है। मैं आपको फोटोग्राफर में आ रखा है। अरे इधर आ जाओ, अब हम चलेंगे यहाँ से आगे के लिए, उसकी तैयारी करते हैं। अभी टीम डिस्कस कर रही है कहाँ चलना है, पूछते हैं भैया कहाँ से निकलना है। हाँ अब कहाँ, अच्छा चलो ले चलो। हाँ ठीक है, वो चीज़ ठीक है, बढ़िया। और आज गणेश चतुर्थी के दिन हमारा सारा भगवानों को फट डेडी के आज का ये ब्लॉग, आपका सपोर्ट नहीं, लाइक शेयर। और जैसा सूवी कर रहा था ना, कह रहा हम इतनी सी चीज़ दिखा रहे हैं, व्यू तो आना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात थी यहाँ पे ना, वो वाले हैंडमेड।